This is part 10 on how to talk with your kids in English. Hey guys, welcome to Kanchan ki classes by englishconnection.online. आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं बच्चों से इंग्लिश में कैसे बात करें. तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको करना सिर्फ ये है कि आपको उनसे पहले इंग्लिश में बात करनी है ताकि वो आपके सेंटेंसेस के जरिए इंग्लिश सीख सकें. तो सबसे पहले आपको इंग्लिश सीखनी है तो बच्चों से जो सेंटेंसेस आप हिंदी में बोलते हैं उन्हें मैं सिखाती हूँ कि इंग्लिश में कैसे बोलना है. तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक. लेट्स बिगिन. आज बड़ा प्यार आ रहा है. टुडे यू आर बीइंग सो अफेक्शनेट. टुडे यू आर बीइंग सो अफेक्शनेट. कुछ खास है क्या आज? इज एनीथिंग स्पेशल टुडे? इज एनीथिंग स्पेशल टुडे? और कितने बिस्किट्स खाएंगे आप? हाउ मेनी मोर बिस्किट्स विल यू ईट? हाउ मेनी मोर बिस्किट्स विल यू ईट? डब्बे का ढक्कन लगाओ. कैप द बॉक्स. Cap the box. थोड़ा और जल्दी करो. Do it more quickly. Do it more quickly. हमें निकलना है. We have to leave. We have to leave. मेरा समय और बर्बाद मत करो. Don't waste any more of my time. Don't waste any more of my time. बच्चे मत बनो. Don't be a baby. Don't be a baby. जब आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो आप इसी तरीके से बोलते हैं कि बच्चे मत बनो. Don't be a baby. कितनी बार कहना पड़ेगा आपसे कि चीजें इस तरह से मत रखा करिए? How many times do I have to tell you not to put the things this way? How many times do I have to tell you not to put the things this way? पूरा कमरा बिखरा हुआ है. The room is a complete mess. The room is a complete mess. कितनी गंदगी है. What a mess. What a mess. चीजों को सही से रखिए. Put the things in order. Put the things in order. इसे तुरंत साफ करो. Clear it up immediately. Clear it up immediately. मैंने आपसे कितनी बार कहा है इस तरह से इधर उधर मत घुमा करिए. How many times have I told you not to wander off like that? How many times have I told you not to wander off like that? मैं आपको रोज कपड़े पहनाती हूँ ना. I dress you every day, don't I? I dress you every day, don't I? इस सेंटेंस में जो लास्ट में मैंने बोला don't I, इसे क्वेश्चन टैग बोलते हैं. आगे के वीडियोस में आप ये सारी चीजें सीखते जाएंगे. आपको खुद से कपड़े पहनना सीखना चाहिए. You must learn to dress yourself. You must learn to dress yourself. बच्चे कई बार बहाने बनाते रहते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आप पहले ही बोलते हैं इस बार आपका क्या बहाना है. What's your excuse this time? What's your excuse this time? आप कब से टीवी देख रहे हैं? You have been watching TV for so long. You have been watching TV for so long. चलिए बंद करिए टीवी और बिस्तर में चलिए. Turn the TV off and get into bed. Turn the TV off and get into bed. एक बार बोल दिया आपको समझ नहीं आता? I've told you once. Isn't that enough for you? I've told you once. Isn't that enough for you? अब ऐसा बोलने पर अगर बच्चा रोने लग जाता है तो आप बोलते हैं इसमें रोने की क्या बात है? What's there to cry? What's there to cry? फिर आप समझाने के लिए बोलते हैं मैं आपको डांट नहीं रही हूँ. I'm not scolding you. I'm not scolding you. मैं तो आपको समझा रही हूँ. I'm making you understand. I'm making you understand. ज्यादा टीवी देखना अच्छी बात नहीं है. Watching TV for too long is not good. Watching TV for too long is not good.
आपकी आंखें खराब हो जाएंगी. यूल रुइन योर आईज, यूल रुइन योर आईज. फोन को झुक कर मत देखो. कई बार बच्चे एकदम से फोन के पास आके घुस के उसमें देखने लगते हैं, तो आप कहते हैं फोन को झुक कर मत देखो. तो आप इसे बोलिए डोंट स्लाउच ओवर द फोन, डोंट स्लाउच ओवर द फोन. गर्दन दुखने लगेगी. यूल हर्ट योर नेक, यूल हर्ट योर नेक. फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा. देन वील हैव टू गो टू द डॉक्टर, देन वील हैव टू गो टू द डॉक्टर. फिर डॉक्टर आपको सुई लगा देंगे. देन द डॉक्टर विल इंजेक्ट यू, देन द डॉक्टर विल इंजेक्ट यू. ऑल राइट गाइज, इट्स ऑल फॉर टुडे. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना बहुत जरूरी है. अगर वो आपने प्रेस नहीं किया तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी नई वीडियो की. तो बेल जरूर प्रेस करें ताकि आप मेरी एक भी वीडियो मिस ना करें. आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग. थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ.